गया और दीपाली निकल गया घर से। दीपाली का आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, फ़ोन नंबर उसको वेरीफाई कराना है और अनीरा के आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसे सही कराना है। तो अभी ये हम लोगों के घर के पास सिविल लाइन्स एरिया में ऑटो सेल्स हो रहा है, वहीं पे आधार सेवा केंद्र ऑफिस है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। पिछली बार भी एक दो बार आ चुके हैं लीना के आधार के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से नहीं हो पाया था सही, लेकिन इंशाल्लाह सारे डॉक्यूमेंट पूरे। और एक बार तो सब था, लीना ही नहीं थी, स्कूल में थी, तो आज तो इंशाल्लाह हो ही जाना चाहिए। उधर देख रहे थे वो बंद हो गया क्या अरे पाली अच्छी आ रही है, सुंदर लग रही हो, अच्छी आ रही है वाली, एक्चुअल में अच्छी आ रही है, ब्लश दिखा रही है अपने फेस पे। नहीं वो अच्छी, अच्छा दिखना है उसको, डर आ रहा है उसमें, तो हम वो बेसी रेटी ना मार देंगे। तो दीपाली का भी हो चुका है, फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है और उन्हें अपनी फ़ोटो भी चेंज करानी थी, लेकिन अलीना का बर्थ सर्टिफिकेट वो ठीक साइट पे नहीं शो हो रहा है जो इन लोगों के यहाँ वैलिड है उस साइट पे, तो फिर अलीना का काम आज भी नहीं हो पाया है। और इसके बाद हम लोग आ गए थे मैक्स, मैक्स में ऑफ़र चल रहा है तो देखने के लिए और क्या चीज़ें आई हैं ऑफ़र में। हमारा यही ले गए टॉप, इसी में ऐसे शॉर्ट शॉर्ट रहती है कॉटन की, उधर थी इधर नहीं थी, इधर सब कुर्तीज ही हैं। हाँ ये शायद टॉप है, नहीं कुर्ता ही है। ये सब 499 में है, 499 में है सब, हाँ सही है ना, लेकिन अच्छी लग रही क्या ये, नहीं जी तीखी खाएगी, हाँ तीखी खाएगी। ये अंकल बहुत अच्छा मोमोज बनाते हैं, बिग बाजार के बाहर लगाते हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ ये शाम को लगाते हैं और हम लोगों को ज्यादातर शाम को निकलना नहीं होता है। दीपाली बहुत खुश है आधार में अपनी सुंदर फोटो अपडेट करा के, पहले वाली फोटो दिखा दो, जनता देखना चाहती है। अलीना आप कुछ बोलना चाहती हैं? दीपाली दीदी की फोटो देखी आधार में, देखना मत डर जाओगी। और ये क्लिप्स जो हैं वो नेक्स्ट डे की है, तो ये मेरे रिलेटिव हैं, मतलब रिश्ते में हमारी फूफी लगती है, उनकी बेटी हैं ये, तो आज इनकी वेडिंग है, ये रेडी होने के लिए आई हुई है। तो अभी इनका मेकअप हो चुका है, ड्रेपिंग भी ऑलमोस्ट डन ही हो चुकी है, लेकिन मेन मसला आ गया था इनकी नोज़ रिंग में, जो कि नहीं जा रही थी इनकी नाक में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, इन्होंने खुद भी ट्राई किया हम लोगों ने भी, लेकिन किसी हाल में जा ही नहीं रही थी। तो इसलिए स्पेशली ये कहा जाता है कि ब्राइड्स को पहले से इन सारी चीज़ों को ट्राई कर लेना चाहिए, तो उस मोमेंट पे फिर नहीं होता, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफ़ी टाइम ऐसा होता है, लोग बहुत पहले तो ड्रेस ट्राई करते हैं, लेकिन फिर जब शादी पास आती है
तो उसको ट्राई नहीं करते, इस वजह से फिटिंग इशू आता है और इस तरीके का नोज रिंग वगैरह ना जाना। तो फिर हम लोगों ने एक ट्रिक यूज़ किया, एक छोटी नोज रिंग पहना के उसमें ही बड़ी नोज रिंग को फंसा दिया। लेकिन हमें लगता है जब डायरेक्ट बड़ी वाली नोज रिंग जाती है नोज़ में तो वो उसका लुक तो थोड़ा डिफरेंट ही लगता है। तो अभी इनका फुल लुक कंप्लीट हो चुका है, तो इन्होंने हिजाब किया हुआ था जो कि काफ़ी सूट कर रहा था इनके ऊपर। तैयब मिलने आया। तैयब क्या क्या है आपके पास अभी, क्या बता रहे हो? वो तिलेता। तिलेता? हमको दे दो। नहीं। आ? नहीं। मेरे पास आईफोन है ना, और नहीं तो आपके पास तो नहीं है। दिखाओ दिखाओ, हाँ दिखाओ, दिखाओ आईफोन। ये है? कितने का रहता है आईफोन? कितने का रहता है? 1000 का। और हमको 5000 का। 5000 का? तो हमको हमको दे दो, ले लो हमसे 5000। ए बलून दो। अब अच्छे से नहीं बता रहे हो तैयब। तैयब दे दोगे? कितना पैसा लोगे हमसे? कितना पैसा लोगे? 200। पक्का? जा रहे पापा को नीचे रूम में बंद कर देंगे। तैयब क्या करोगे बता दो थोड़ा सा। गाड़ी में क्या रखा है तुम्हारे? लाठी। हाँ और घर में क्या रखा है? ए वो अम्मी ले जाए, बाद भाई को नीचे बंद कर दीजिए। चलो भाई चलो। मेरा भी तो बेटा है ना, मेरा बेटा है ना, चाहे जो कर। चलो भाई क्या है लाठी? चलो तुम्हारे अब कुछ ना करेंगे। मम्मा बेटा वाओ पापा के बच्चा छोटे बेटा वाओ तुम पापा के। अम्मी तो इनकी अम्मी को पकड़ लाइए। हाँ कद ले जाए ले आए। हाँ ले जाए। तैयब हमारी अम्मी तो शादी बाद में है। तो मम्मा को इनकी दादी, उनको क्या नाम है, साहिन दादी को साहिन दादी तो पकड़ ले जाओ। ए फिर हम रोएंगे, उनको ले जाओ। हम रोए फिर अल्फिया बुआ को ले जाए, ले जाए हम रोए। अच्छा सुनो, ए तुम्हारी वो चाची को ले जाए। कौन सी? मम्मा को। और मम्मा को? हाँ हाँ मम्मा को ले जाओ। मम्मा को हम दे देंगे बाइक में। भाई भाई को प्यार कर लो ऐसे। तो मैं बाप दो बार लगा दिया। क्या दो बार लगा दिया? क्यों दो बार लगा दिया? अच्छे से नहीं किए हो तैयार। चलो वैसे हमको खिलाए थे, ऐसे नहीं से हमको खिलाए थे, वैसे प्यार से आराम से। चलो बिचारा। और तैयब लोग के जाने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। तो क्रिसमस आने वाला है इसलिए चारों तरफ जैसे जो भी फेस्टिवल रहता है उससे रिलेटेड सामान मिलते हैं, तो अभी क्रिसमस से रिलेटेड सामान मिल रहे थे। और मार्केट में हम कुछ भी शूट नहीं किए थे,
क्योंकि हमें सिर्फ मेकअप का ही सामान लेना था, लेकिन बस हम लोग गए थे एक बर्तन की शॉप पे, वहाँ से हम लोग थॉमस टेल कंटेनर लाए थे तो वो ठीक नहीं था, तो उसे चेंज करना था, उसे चेंज करके हमने मिल्टन का जग लिया है। तो फिर वहाँ पे हमें ये बोरोसिल कप था, ये भी हमें पसंद आ गया, बहुत अच्छा था ये देखने में। जैसे बोरोसिल ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट आता है, तो ये कलर था और काफ़ी लाइट वेट था, तो इसे हमने ले लिया है। कैसा लग रहा है यहीं पर हम अपने इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।